और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है। जेपी मॉल का एम्यूजमेंट पार्क अटैच हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अटैच किया है 400 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त नोएडा से, जेपी मॉल का अम्यूजमेंट पार्क अटैच हुआ है। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें ईडी ने अब अम्यूजमेंट पार्क को अटैच किया है। 400 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। कहां गया है ये पैसा, कैसे किसके पास गया, इस बात की जानकारी अब ईडी तलाश रही है। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो यही कि जेआईपी मॉल का जो अम्यूजमेंट पार्क था, काफी लोकप्रिय भी था, लोग यहां पर जाते थे, अब वो अटैच कर दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अटैच किया है। 400 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है और इसी आरोप के तहत अब अम्यूजमेंट पार्क को अटैच कर दिया गया है। हालांकि किस तरह से लेन देन हुआ है, क्या हुआ है, बातचीत करने के लिए हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जरा बताइए पूरा मामला है क्या और अब एम्यूजमेंट पार्क को अटैच किया गया, इसके पीछे क्या ईडी ने क्या कहा है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि पीएमएलए के तहत ये मुकदमा लिखा गया था 28/5/2024 को, और उसके बाद से लगातार जो जीआईपी की लैंड है उसको सर्च किया जा रहा था। फाइनली जो लैंड में सील किया गया, अनसोल्ड कॉमर्शियल स्पेस है, करीब 393,737 स्क्वायर फीट की ये जगह थी, और जो एडवेंचर आइलैंड लिमिटेड है उसकी स्पेस इसमें करीब 45,966 थी। उसी स्पेस को जो है वो ईडी ने फ्रीज किया है, सीज किया है और कार्रवाई की है। इसके अलावा अलग कुछ और डॉक्यूमेंटेशन भी किया जा रहा है, कुछ कार्रवाई और की जा रही है, तमाम तथ्य और जुटाए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी आने वाले वक्त में और भी जो जमीन इस कंपनी से संबंधित होगी उसको सीज करेगी, क्योंकि इसमें पैसे का हेरफेर हुआ था, कुछ मनी ट्रेल भी ईडी को इसमें प्राप्त हुई है, जिसके बाद इस तरीके की कार्रवाई अब देखने को मिली है। जी, अब 400 करोड़ बहुत होते हैं, बताया जा रहा है हिमांशु 400 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। आपने कहा कि जमीन से जुड़ा हुआ है और हमने पीछे कुछ देखा कि जिस तरह से जेआईपी मॉल है, काफी बड़ा मॉल दिल्ली एनसीआर का हुआ करता था, आज उसकी हालत खस्ता है, और जब एम्यूजमेंट पार्क को भी अटैच कर दिया जाएगा तो कहा जा सकता है कि ईडी अब इस पूरे मामले की तह तक जाना चाहती है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें क्योंकि जीआईपी में जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो करीब 393,000 स्क्वायर फीट की है, लिहाजा उसमें जो ये कंपनी है जिसकी मनी ट्रेल प्राप्त हुई है 400 करोड़ की, ये ईडी का फ्रॉड है, ईडी के लेन देन का, जिसमें पीएमएलए के तहत ये कार्रवाई भी की गई और मुकदमा भी दर्ज किया गया है, और अब उस पर कार्रवाई की है। 45,000 स्क्वायर फीट की ये जमीन का टुकड़ा है जो जीआईपी में है, उसको सील किया गया, उसको अटैच किया है ईडी ने अपने पास। और इसके अलावा आपको बता दें पूर्व में भी इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली थी, ईडी ने जीआईपी में ही कुछ लैंड थी उसको जो है वो सील किया था, उसको अटैच किया था। लगातार मनी ट्रेल जो है वो डेवलप की जा रही है, अब तक 400 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल मिली है और इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। ईडी के अफसरों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मनी ट्रेल और भी खंगाली जा रही है और भी इसमें कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, और जो भी इस एडवेंचर आइलैंड से संबंधित जमीन है उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है ताकि भविष्य में और बड़ी कार्रवाई की जाए। जी ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।